दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल नियुक्ति पत्र के संदर्भ में आप सभी को पता है कि आपके लेखपाल भर्ती पर तमाम तरह के कोर्ट केसेस चल रहे थे। फाइनली लोअर कोर्ट में जितने भी केस थे आपके डिस्पोज हो चुके हैं। अगर बात करें हम कल के डेट में सुप्रीम कोर्ट में आपके मामले को लेकर सुनवाई है, ठीक है, तो आप लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया आखिरकार कल क्या कुछ कैसे होगा, कल भर्ती से हमारा स्टे हटेगा या नहीं हटेगा। बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं डायरी नंबर 11/223/2024 करके एक केस था जिसमें एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। अगर हम बात करें तो आपका ये जो मामला जो है 11/223 का जो है वो पहले 63 नंबर पर लगा था, लेकिन अब वर्तमान समय की स्टेटस जो नज़र आ रही है कि आपका जो मामला है वो 62 नंबर पर लग गया। आखिरकार क्यों हुआ है, किस नंबर पर लगा केस, वरिष्ठ अधिवक्ता का बयान, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो जो 11/223 सोलर वाली एसएलपी थी जो है आपको पता है, फाइनली 11/223 जो सोलर की एसएलपी थी इस पर 5 तारीख को फाइनल जो है सुनवाई होनी थी, लेकिन उस दिन जो है इसे हटा करके कल की डेट यानी 8 तारीख को शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। और इसकी जो सुनवाई थी वो सीरियल नंबर जो है 63 पर कोर्ट नंबर 18 में लगी हुई थी, ठीक है। बाकी हम बात करें जो है अब वर्तमान समय में जो इसका कोर्ट केस स्टेटस है, अब तो 62 नंबर पर लग गया है, ठीक है। लेकिन आपका मामला जो चल रहा है जो है एसएलपी 72/225 और 72/229/2024 के साथ जो है ये जो एसएलपी आपकी 11/223 की लगी थी इसके साथ कंडक्ट कर दिया गया है, यानी 8 तारीख को आपके इस मामले को भी सुना जाएगा आइटम नंबर 57 पर। तो चलिए सबसे पहले आप इस कोर्ट के स्टेटस को देख लीजिए, बाकी हम आपके बीच में बात करेंगे कि भैया कल भर्ती से स्टे हटेगा या नहीं हटेगा। तो फाइनली आप इस स्टेटस को देख लीजिए 11/223/2023, ठीक है, यहाँ सारी चीज़ें आपके बीच में दे रखी है, बट यहाँ इसका स्टेटस जो दे रहा है वो पेंडिंग दे रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ देख सकते हैं जो है ऑनरेबल जस्टिस जो है हेमा कोहली और ऑनरेबल जस्टिस जो है असमानुद्दीन मौला के बेंच में आपके फाइनल इस मामले की सुनवाई है, और यहाँ देख सकते हैं सीरियल नंबर 63 पर आपका केस लगा हुआ था। लेकिन अगर हम आपको बताएं तो यहाँ वर्तमान समय का जो स्टेटस है ये देख सकते हैं, आपका जो 63 नंबर पर आपका लगा हुआ था लेकिन वर्तमान समय 62 पर कर दिया गया है। इसके पहले यानी जो 62 नंबर वाले पर कोर्ट केस लगा हुआ था उसे फाइनली जो है देख सकते हैं डिलीट कर दिया गया है, डिलीटेड एंड टू बी जो है लिस्टेड बिफोर जो है अनदर बेंच, ठीक है, यानी डिलीट करके उसे दूसरे बेंच में जो है डाल दिया गया है। तो फाइनली इसीलिए आपका जो केस है वो 62 नंबर पर लग गया है, ठीक है। और यहाँ कंप्यूटर जनरेटेड ये स्टेटस आपके बीच में है, यानी आपके इस मामले को लेकर 8 तारीख यानी कल की डेट आपके लिए एक बड़ा दिन होगा। आप जो कह रहे थे कि भैया आखिरकार क्या जो है इस भर्ती से स्टे हटेगा या नहीं हटेगा, देखिए अगर बात किया जाए तो 99% उम्मीद है कि स्टेटस से भर्ती से आपका स्टे तो हट जाना चाहिए, है ना। बाकी वरिष्ठ अधिवक्ता का भी यही लगातार प्रयासरत है, उनके भी जो है इच्छाएं हैं कि भाई इतने दिन से भर्ती लटके हुए हैं, अगर भर्ती से स्टे हट जाता है तो फाइनली आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, प्रयासरत हैं फिलहाल के लिए। अब हम कल का इंतज़ार करते हैं आइटम नंबर 57 पर जो भी होगा, ठीक है। सारी चीज़ों की डिटेल्स हम आपको एक एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।